हाय कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट अब ये किस को मिलता है क्या क्राइटेरिया है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में डिस्कस करते हैं जल्दी से तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन बहुत सारे रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेट मिल चुका है इसी सिलसिले में ये जो विशाखापट्टनम है इसको हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे हैज बिन अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाइएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम बाई इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आई तो हमें क्या याद रखना है कि रिसेंटली किसको मिला है रिसेंटली विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ये टैग दिया गया है गिवन बाई IGBC तो वी विल डिस्कस किए IGBC है क्या उससे पहले डिस्कस करते हैं कि ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन में और क्या होता है इट इज़ अ रेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं ये सर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं जो रेलवे स्टेशन को ये टैग देते हैं ठीक With the support of the environment directorate of Indian Railway. So the organization involved in giving the certificate, this we have to remember. It is a voluntary and consensus based. It's not compulsory to all the railway stations across India. Ki you have to participate to get the certificate. It's voluntary and it's optional. Once you are ready with your building, then you can opt for this you can opt for a certification the organization involved in this certification they will come and inspect your railway station and they eventually they grant you the certification okay so this is the first of its kind holistic rating in india to address the environmental sustainability in indian railway station see so much of factual information that we have to remember किसको मिला है तो विशाखापट्टनम को सेकंड कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स विल डिस्कस बोथ ऑफ देम कि ये हैं क्या ठीक है और ये वॉलेंट्री है और कंसेंसस बेस्ड है वन यू गेट द कंसेंसर वन यू गेट गिवन योर कंसेंट देन ओनली ये सर्टिफिकेशन का इस जो प्रोग्राम है ये इनिशिएट होगा ठीक तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का एक दीजिए पार्ट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कब बना 2001 में बनाया गया द काउंसिल ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज विच इंक्लूड डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग्स रेटिंग प्रोग्राम बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग टैग देना वेदर यू आर इन्वायरमेंट सस्टेनेबल और नॉट दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव डन बाई आई जी बी सी ठीक डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग्स प्रोग्राम सर्टिफिकेशन सर्विसेज एंड ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ही दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स द काउंसिल ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस इट्स एनअल फ्लैगसिप इवेंट ऑन ग्रीन बिल्डिंग तो वट वी हैव टू रिमेंबर ये सी आई आई का ही पार्ट है उसी का इनिशियेटिव है टू वर्ड्स ग्रीन बिल्डिंग इनिशियेटिव उनको ट्रेन करना सर्टिफिकेशन देना एंड ऑल अदर एक्टिविटीज डन बाई दिस आई जी बी सी दिस वी हैव टू रिमेंबर ठीक है अब हम बात कर लेते हैं सी आई आई क्या है रिम्बर दिस इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप इन न्यू दिल्ली कब बना 1895 में ही इसका क्रिएशन हुआ था सी आई आई इंगेजेज बिजनेस पोलिटिकल एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू सेव ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कैसी होनी चाहिए गवर्नमेंट को हेल्प करना उनकी पॉलिसी मेकिंग में अपना इनपुट देना कि व्हाट द इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गोइंग टू बी रूल्स रेगुलेशन कैसे होने चाहिए कैसे फेवरेबल होने चाहिए तो ऑल द सेमिनार्स मीटिंग्स डन बाय द CII ठीक इट्स मेंबरशिप इट इज अ मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड CII हैज बीन अपॉइंटेड एज द बी ट्वेंटी इंडियन सेक्रेटेरिएट जो हमारे जी ट्वेंटी में हो रहा है उसमें इंडियन सेक्रेटेरियर रिलेटेड टू बिजनेस इवेंट्स इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अंडर द बैनर ऑफ सी आई आई ठीक तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सी आई आई तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन uh, इसमें इन्वॉल्व है इन गिविंग अ सर्टिफिकेशन दिस वी हैव टू रिमेम्बर ठीक तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विथ स मोर इंपॉर्टेंट कंट अफेयर टॉपिक टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर